नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आप जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था 11 सितंबर 2022 को, उसकी ऑफिशियल दोस्तों आंसर की रिलीज हो चुकी है, उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी रिलीज हो चुकी है। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कैसे ऑब्जेक्शन करना है, कब तक ऑब्जेक्शन कर सकते हो, कितनी फीस लगेगी दोस्तों, और ऑब्जेक्शन करने के क्या क्या फायदे हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। तो देखिए ध्यान से कि बोर्ड द्वारा क्या लिखा है दोस्तों, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया, प्रेस नोट आया है कि बोर्ड द्वारा जो 11 सितंबर 2019 को पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा का जो, और जिसमें दो पेपर थे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, पहला प्रश्न पत्र है उसको कोड दिया है 127A और सेकंड को दिया है दोस्तों 127B, ये भी कोड भी आप ध्यान रखना। इनके दोस्तों मास्टर क्वेश्चन पेपर, यानी जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड ने जारी किया है कि ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है, इसकी ये मास्टर आंसर की है, आपको उस आंसर की को उस मास्टर क्वेश्चन पेपर से मिलाना है जो अभी आंसर की आई है प्रारंभिक उत्तर कुंजी। ये आप अगर अपने पेपर से मिलाते हो और वो आपका सेट या जो दूसरा रहेगा तो वो मैच नहीं करेगा, इसलिए इसी मास्टर पेपर से आपको दोस्तों प्रारंभिक उत्तर कुंजी को मैच करना है। और क्या कहा है कि किसी को भी कोई उत्तर के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो दोस्तों पर क्वेश्चन 100 रुपये, कितने रुपए ध्यान रखना, पर क्वेश्चन 100 रुपये आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कब से कब तक कर सकते हैं दोस्तों, दिनांक 23/9/2022 से लेकर 25, दोस्तों यहाँ लिखना था 25/9/22, ठीक है, 25/9/22 तक, तो यानी 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक रात के 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं दोस्तों। जो अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है ये मास्टर क्वेश्चन पेपर को आप मैच कर लेना, अपने प्रश्न पत्र से उत्तर का मिलान कर लेना, तो आपको अपने आंसर मालूम पड़ जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन से आपको आपत्ति रहती है तो SOCIT से लॉगिन करके आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है नोटिस में दोस्तों, देखते हैं ध्यान से। ये देखो क्या लिखा है कि आप 25/23/9 से 25/9 तक दोस्तों रात को 11:59 यानी 59 मिनट तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां केवल एक बार ली जाएगी, यानी बार बार दोस्तों आपका मौका नहीं मिलेगा। और आपत्ति किस पे लगा सकते हैं, बुक का एक तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, यानी ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन की आपत्ति लगा सकते हैं। कोई भी गाइड मार्केट में आई है, कोई भी और मटेरियल है, कोई भी आपके नोट्स है, तो उससे आप दोस्तों कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। अब ऑब्जेक्शन लगाने के बाद देखो, आप ऑब्जेक्शन इस आंसर की के अकॉर्डिंग लगाओगे जो क्वेश्चन पेपर की आंसर की आई है। कभी भी क्वेश्चन आपके जो भी डिलीट होने हैं दोस्तों, वो फाइनल आंसर की के अंदर डिलीट होगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, ऑब्जेक्शन के ऊपर ही तो क्वेश्चन डिलीट बनेंगे। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन रहता है कि इसके ऑप्शन दोनों सही थे या और भी रहता है, और हम अभी दोस्तों एनालिसिस करने के बाद में हम भी आपको आंसर की में बताएंगे किस किस क्वेश्चन का आंसर गलत है या किन किन क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक की भी ज़रूरत हो कि मुझे ये ऑब्जेक्शन लगाना है सर, मुझे सोर्स अवेलेबल करवाएं, तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे दिए गए हैं, आप उसमें शेयर कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है। बाकी हम भी एनालिसिस करने के बाद में आपको बता देंगे कि इन क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं दोस्तों। ये थी आंसर की। अब ऑब्जेक्शन के फायदे भी बताएं दोस्तों। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बोर्ड डिलीट नहीं करता है या आपका जो ऑब्जेक्शन लगता है बोर्ड उसको नहीं मानता है, तो आप क्या बाद में लीगली भी रिट लगाते हैं। तो अगर आपने पहले ऑब्जेक्शन लगा रखा है तभी आप दोस्तों जा सकते हैं, हालांकि जा तो बिना ऑब्जेक्शन भी सकते, लेकिन पहले ये पूछ ही लिया जाता है कि आपको ऑब्जेक्शन का मौका मिला, आपने आपत्ति दर्ज कराई थी, तो फिर दोस्तों आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में होगा तो आप ऑब्जेक्शन जरूर जरूर लगा सकते हैं। बाकी आपको पता है बोर्ड अपनी ही आंसर की मानेगा, ठीक है। ये थी दोस्तों प्रारंभिक उत्तर कुंजी, दोनों पेपर की आप अच्छे से मिलान कर सकते हैं। जो भी आपको ऑब्जेक्शन रहता है वो ऑब्जेक्शन लगाइए। आपको कोई क्वेश्चन में ऑथेंटिक सोर्सेज की जरूरत है, किन किन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होगा, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से हम बताएंगे आपको, और आप भी खुद चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये थी सूचना, जिसकी आप बेसब्री से आंसर की का इंतजार कर रहे थे वो आंसर की भी आ चुकी है। तो इस आंसर की में जल्दी से ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दोस्तों
उन पे थोड़ा वर्क चलेगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा दोस्तों। तो आगामी आपको शुभकामनाएं ताकि आपका सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मार्क्स बने। जो भी आपके मार्क्स इस आंसर की से बन रहे हैं वो टेलीग्राम पे जरूर शेयर करें ताकि कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगा सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, LIS लर्निंग अकेडमी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।